वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। यदि अभियोजन हत्या के अपराध के संबंध में कुछ विवरण साबित करने में असफल रहता है जिसके लिए अभियुक्त आरोपित था किंतु धारा 384 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय लघु अपराध कारित किया जाना साबित होता है तब अभियुक्त की दोष सिद्धि उचित है। एक प्रकरण में चिकित्सीय साक्ष्य तथा अभियोजन साक्षी 3 के कथन के बीच विरोधाभास था और अभियोजन साक्षी 2 एवं 3 दोनों ने अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी 1 को क्षतिकारित करते हुए देखने से इनकार किया गया। अभियोजन ने अभियुक्त को पहुंची क्षतियों को छिपाया तथा साक्ष्य की यथातथ्य समीक्षा पर आधारित विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को ठीक माना गया एवं दोष मुक्ति मान्य रही। जब 8 अभियुक्त हत्या के अपराध हेतु आरोपित किए गए जिसमें से 6 अभियुक्त दोष मुक्त किए गए तब शेष 2 अभियुक्तों को धारा 34 की सहायता से हत्या के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। पी के बारे में पूर्व योजना आशय हेतु एवं ज्ञान के 4 घटक 3 विश्वसनीय साक्षियों के कथन के बल पर सभी युक्त संदेह से परे साबित हुए। एम के बारे में उसका उद्बोधन सिद्ध नहीं हुआ और अभियोजन उसकी भूमिका को सिद्ध नहीं कर सका। एम के संबंध साक्षियों द्वारा पुलिस को तथा न्यायालय में किए गए कथनों में विरोधाभास था। पी की सिद्ध दोषिता बरकरार रही लेकिन एम को सभी प्रकार के आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष पर विश्वास न करने की कोई बात नहीं थी तथा बरामदगी के ज्ञापन सब परीक्षण रिपोर्ट एवं न्याय विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से उसका अनुसमर्थन हुआ। बरामद की गई वस्तुओं पर मानव रक्त पाया गया तथा कानों के छल्ले एवं रावट की बरामदगी की साक्ष्य अभियोजन साक्षी 8 की साक्ष्य से अनुसमर्थित थी। जी की भूमिका युक्त संदेह के परे नहीं सिद्ध हुई। निर्णित की एच की सिद्ध दोषिता बरकरार रही परंतु जी की अपास कर दी गई। अभियुक्त डी एक ही प्रहार करके भाग गया। उसके कृत्य में क्रूरता नहीं थी। स्थिति का अनुचित लाभ नहीं उठाया गया तथा उसका आशय भी ऐसा करने का नहीं था। धारा 302 के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों की सिद्ध दोषिता अपास्त करके डी के प्रति धारा 304 पैरा 2 के अधीन प्रस्थापित किया गया। निर्णित की धारा 341 के अधीन सिद्ध दोषिता बरकरार रही। यद्यपि अभियुक्त ने सह अभियुक्त अपनी पुत्री एवं पत्नी की मौजूदगी में मृतक का
वध किया था और कथित सह अभियुक्त के कपड़ों पर मानव रक्त के दाग पाए गए, लेकिन मात्र इसी वजह से सह अभियुक्त व्यक्तियों के द्वारा मृतक पर हमले को नहीं साबित नहीं जा सकेगा, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य सह अभियुक्त के हमले में भाग लेने को नहीं उपदर्शित कर रहा था, और इसलिए धारा 34 सहित हत्या के अपराध के लिए सह अभियुक्त की दोष सिद्धि को न्याय संगत नहीं माना गया। स्टॉप।